आज हम बात करने वाले हैं वाइग्रा के साइड इफेक्ट्स के बारे में और इन्हें किस तरह से अवॉइड किया जाए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने में आती है वो देखने में आती है सर में दर्द होना, चक्कर आना, फ्लशिंग यानी कि गुस्सा आना और पेट में दर्द होना। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि उन्हें लाइट से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है इस मेडिसिन को लेने के बाद, या फिर उन्हें धुंधला दिखता है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाती है दवाई लेने के बाद, मतलब वो सोच समझने की क्षमता ठीक से उनकी काम नहीं कर पाती। क्या होता है जब सिल्डेनाफिल या फिर नाइट्रेट दोनों मिल जाते हैं आपस में रिएक्शन करके, वो आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। ये मेडिसिन हमें सेक्स करने के आधे घंटे पहले लेनी चाहिए। इस दवाई को तुरंत लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं, जैसे कि छाती में दर्द होना, ब्लड प्रेशर में बदलाव होना और पेट में दर्द होना और लीवर और किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाना। आपको मेडिसिन लेने के बाद एक बात का ध्यान रखना है जो आपके लिए वार्निंग साइन की तरह हो सकता है। इसमें अगर यदि आपको मेडिसिन लेने के बाद पेनिस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उसका इरेक्शन 4 घंटे से ज़्यादा तक रह रहा है, इस कंडीशन को हम प्रियाप्रिज्म बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है आपके पेनिस में बिल्कुल वहाँ पे जम जाता है और जो कि ब्लड वेसल्स है पेनिस की वहाँ से सर्कुलेट नहीं कर पाता, एक तरह से उसका सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में आपको आइस पैक लगाना चाहिए यानी कि आइस लगानी चाहिए। क्या होता है, अगर वो इस्कीमिक नहीं होता तो वो चला जाता है, अगर लेकिन अगर वो इस्कीमिक होता है तो उसमें पेन रहता है और ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप अल्कोहल लेते हैं, आप ड्रिंकर हैं, तो आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है वाइग्रा लेने से पहले या फिर उसके साथ। ये आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन पैदा कर सकता है, क्योंकि वाइग्रा क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर देता है और अल्कोहल भी आप उसके साथ अगर मिक्स करके ले रहे हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। हियरिंग प्रॉब्लम में आपको सुनने की क्षमता खो जाएगी और आपके कानों में घंटियां सी बजेंगी और आपको चक्कर भी आ सकते हैं। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपका यूरिन के अंदर यानी कि पेशाब के अंदर ब्लड आ सकता है, झाग आ सकते हैं। क्या होता है कभी कभी कि यूरिन करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, या फिर पेशाब करते टाइम पेनिस में पेन होने लगता है। कुछ कंडीशन में कमर दर्द की समस्या भी देखने को मिलती है, माइल्जिया और हाथ पैरों में दर्द जैसी समस्याएँ भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा सिल्डेनाफिल लेने के बाद कुछ ऐसे इन्फेक्शंस भी देखे गए हैं, जैसे कि साइनोसाइटिस, राइनाइटिस एंड फेरेंजाइटिस एंड ड्राई आइज। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें ये दवाई बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, जैसे प्रीवियस हिस्ट्री रही हो एलर्जी की, या फिर प्रीवियस पेनफुल इरेक्शन रहा हो, मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पिगमेंट्री रेटिनोपैथी, हियरिंग लॉस, सिग्निफिकेंट अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, एंजाइना, नैरोइंग ऑफ द एरोटिक हार्ट वॉल्व, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, लाइफ थ्रेटनिंग इरेगुलर हार्ट रिदम, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, लो ब्लड प्रेशर, लीवर प्रॉब्लम, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, पेरोइनिस डिजीज और अदर प्रॉब्लम्स। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक कॉमन समस्या है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसको ट्रीट करने के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।